आमिका एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 जुलाई यानी कि कल शाम को 4:44 से शुरू हो चुका है और इसका समापन 31 जुलाई यानी कि आज 3:55 पर ख़त्म होगी। तो कामिका एकादशी का पारण कल सुबह यानी कि 1 अगस्त को 5:43 पर। तो अब सुनते हैं कामिका एकादशी की कहानी। कामिका एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही शक्तिशाली क्षत्रिय निवास करता था। वह शक्ति और बल पर उसे अपने शक्ति और बल पे बहुत ही गर्व था, लेकिन वो धार्मिक स्वभाव का था और पूजा पाठ करता था। लेकिन धार्मिक स्वभाव का होने के बाद भी उसके मतलब अहंकार उसके मन में घर कर चुका था। एक दिन वह विष्णु भगवान की पूजा करके और उपासना में करके और किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकला। रास्ते में उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया आपस में। इसके बाद क्षत्रिय को इतना गुस्सा आ गया, इतना अहंकार था कि उसने ब्राह्मण से हाथापाई शुरू कर दी और ब्राह्मण की दुर्बलता के कारण अचानक से ब्राह्मण उस मतलब हाथापाई को सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ, वह बहुत पछताया। उसकी स्थिति गांव में चर्चा का विषय बन गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण के अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया और ब्राह्मण भोज करवाने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से भी मना कर दिया। ज्ञानी पंडितों ने अपने ज्ञानी पंडितों से उसने अपने पाप को जाना था। पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है, इसलिए अंतिम क्रिया में भी शामिल नहीं होंगे और ब्राह्मण भोज भी उसके घर पर नहीं करेंगे। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित मतलब इसका उपाय क्या है, मैं कैसे इससे मुक्त हूँ, सभी से पंडितों से पूछा। पंडितों ने कहा, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा मतलब करनी है आपको, ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब जो कामिका एकादशी आती है उस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में विष्णु पर तुलसी दल अर्पित करना है, तुलसी की पूजा करनी है, रात को जागरण करना है, इससे उसे ब्रह्म हत्या का दोष खत्म हो जाएगा और उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन मिल जाएगा। मतलब ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्ति मिल सकती है एकादशी के करने से। हमें वैसे सभी एकादशी करनी चाहिए, नहीं तो जो मेन मेन एकादशी है उनका तो पालन जरूर कीजिए, और एकादशी का पालन भी नहीं कर सके तो कम से कम उस दिन अन्न का त्याग अवश्य कीजिए। हरे कृष्ण।